नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एसएस लॉ कॉलेज की एलएलएम छात्रा को बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे एसआईटी ने रंगदारी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी उसको चौक कोतवाली ले गई, वहां से उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद एसआईटी छात्रा को लेकर कोर्ट पहुंची। सीजेएम के छुट्टी पर होने के कारण एसीजेए कोर्ट में छात्रा को पेश किया गया। कोर्ट में छात्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद छात्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मुकदमे में एसआईटी ने तीनों युवकों के साथ लॉ कॉलेज की छात्रा को भी आरोपित बनाया था। तीनों युवकों को एसआईटी ने पहले ही जेल भेज दिया है। छात्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर मंगलवार को कोर्ट ने राहत दी थी और इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को होनी है, लेकिन इसी बीच एसआईटी ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के दौरान एसआईटी ने पूरे समय छात्रा को अपनी निगरानी में रखा था। छात्रा पहले ही कह चुकी है कि चिन्मयानंद उसका 1 साल से शोषण कर रहे थे। उसी के कॉलेज के पूर्व छात्र संजय ने उसका परिचय कराया था। उसने पूरा वाक्या बताया तो सबक सिखाने के लिए वीडियो बनाने की बात सामने आई। इसी साल जनवरी में आपत्तिजनक हाल में चिन्मयानंद की वीडियो बनाई गई थी। इसके बाद प्रकरण का रुख बदला और चिन्मयानंद को सबक सिखाने के साथ रुपयों का भी इंतजाम करने के लिए कहा गया। इसमें छात्र के साथ उसके 3 दोस्त भी शामिल थे। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। इस मामले की तमाम अपडेट्स हम आपको अपने चैनल पर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।